बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आनल फार्मा की रेसिपी बता रही हूँ। एक पैन में एक कप पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे और बॉयल होने तक पकाएंगे। बॉयल होने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक टी डालकर इसको कवर करके रख देंगे और स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देंगे। अब एक गिलास में आइस क्यूब्स डालेंगे, लेमनेड डालेंगे, लेमनेड, ब्राउन शुगर और लेमन जूस को पानी में बॉईल करके बनाया है। अब हम ब्लैक टी डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और मिक्स कर देंगे। मिंट और लेमन से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्पल एंड क्यूकम्बर कूलर स्मूदी बना रहे हैं। कूलर स्मूदी बनाने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन एप्पल डालेंगे, मिंट डालेंगे, क्यूकम्बर डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, हनी डालेंगे और चिल्ड वाटर डालेंगे और ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एप्पल एंड क्यूकम्बर कूलर स्मूदी रेडी है। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं कसर नाज। आज हम बनाना एंड फिग मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना डालेंगे,
आइस क्यूब्स डालेंगे, इंजीर डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ग्लास में पोर कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिक्स से गार्निश कर देंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाना एंड न्यूट्रेला मिल्क शेक बना रहे हैं। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइस क्यूब्स डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे, बनाना डालेंगे, मिल्क डालेंगे, न्यूट्रेला डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। मिल्क शेक ग्लास में पोर कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाना इन चीकू मिल्क शेक बना रहे हैं। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीकू डालेंगे, बनाना डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, मिल्क डालेंगे, चॉकलेट सिरप डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ग्लास में पोर कर देंगे। चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना एंड पीनट बटर मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाना डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, पीनट बटर डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे, न्यूट्रेला डालेंगे, न्यूट्रेला ऑप्शनल है, मिल्क डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ग्लास में पोर कर देंगे। चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर नाज, आज मैं आपको ब्राउनी मिल्क शेक की रेसिपी बता रही हूँ। ब्राउनी मिल्क शेक मैंने अपनी बहुत ही प्यारी क्यूट सी भांजी की फरमाइश में बनाई है। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसक्रीम डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, मिल्क डालेंगे, ब्राउनी डालेंगे। तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे, ग्लास में पोर कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वनीला आइसक्रीम, वेफर रोल और चॉकलेट बीन्स और ब्राउनी से गार्निश कर देंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपको कैरेट एंड पोमेग्रेनेट मॉकटेल बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हनी डालना है। लेमनेड डालेंगे, कैरेट जूस डालेंगे, पोमेग्रेनेट जूस डालेंगे और मिक्स कर देंगे। आइस क्यूब्स डालेंगे, लेमन स्लाइस डालेंगे, सोडा वाटर डालेंगे, पोमीग्रेनेट सीड्स डालेंगे, मिंट लीव्स और लेमन से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम अल्फ्रेडो पास्ता बना रहे हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, चिकन डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। गार्लिक पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे और फ्राई करेंगे और अलग निकाल लेंगे। बटर डालेंगे, मेल्ट करेंगे, चॉप गार्लिक डालेंगे, फ्राई करेंगे, ओरिगानो डालेंगे, बेजल डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और फ्लोर डालेंगे, मिल्क डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिल्क थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करते रहना है, लम्स नहीं करने देना है। पास्ता वाटर डालेंगे और मिक्स करेंगे। वाइट सॉस बना लेंगे, सॉल्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, मिक्स करेंगे, चेडर चीज़ डालेंगे और पास्ता डाल देंगे सारा, मिक्स कर देंगे। फिर सारी चिकन डाल देंगे। हमारा चिकन अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं। आधा किलो चिकन में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 3 टेबल स्पून टिक्का मसाला डालेंगे, 2 टेबल स्पून दही डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और फ्राई करेंगे। मसाला लगी हुई चिकन डालेंगे और फ्राई करेंगे। 4 अदद बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और कवर करके टमाटर और चिकन गलने तक पकाएंगे। टमाटर और चिकन गल चुके हैं, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक इसलिए थोड़ा डालना है क्योंकि चिकन टिक्का मसाले में नमक होता है। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे और कोयले का स्मोक दे देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चिकन टिक्का कढ़ाई रेडी है। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चीकू मिल्क शेक बना रहे हैं। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, चीकू डालेंगे। चीकू के मैंने छिलके उतार लिए हैं पहले से। 2 टीस्पून ब्राउन शुगर डालेंगे, फ्रेश क्रीम डालेंगे, चॉकलेट सिरप डालेंगे, मिल्क डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। ग्लास में पोर कर देंगे। चॉकलेट सिरप और चीकू से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिली ऑयल नूडल्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम 2 कप पानी डालेंगे, 2 पैकेट नूडल्स डालेंगे और बॉईल करके स्ट्रेन कर लेंगे और टैप वाटर डालकर ठंडा कर लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और सॉसेजेस स्टर फ्राई कर लेंगे। अब एक बॉल में 2 पैकेट पेस्ट मेकर डालेंगे और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। एक पैन में ऑयल को गरम करेंगे और स्पाइसेस में डाल देंगे। फिर इन्हीं स्पाइसेस में सारे नूडल्स डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। पिकल कुकम्बर और सॉसेजेस ग्रीन अनियन से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चॉकलेट एंड आलमंड मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, बादाम डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, मिल्क डालेंगे, चॉकलेट सिरप डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। गिलास चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर देंगे। मिल्क शेक पोर कर देंगे, चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम चॉकलेट मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्राउन शुगर डालेंगे, चॉकलेट डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, कोका पाउडर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे और चॉकलेट के पीसेस से गिलास डेकोरेट कर लेंगे। और मिल्क शेक गिलास में पोर कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम कोकोनट क्रीम मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, ये कच्चे नारियल की कोकोनट क्रीम है। कोकोनट क्रीम डालेंगे हम, ब्राउन शुगर डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, मिल्क डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। हमारा कोकोनट क्रीम मिल्क शेक रेडी है। ग्रेटेड कोकोनट और चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम कोकोनट वाटर लेमनेड बना रहे हैं। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, कोकोनट वाटर डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे और मिक्स कर देंगे। हमारा कोकोनट वाटर लेमनेड रेडी है। मिंट एंड लेमन से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम दलगुना कॉफ़ी बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, 3 टीस्पून इसमें कॉफ़ी डालेंगे, पानी डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करनी है, फ्लफी हो जाए तो हमारी कॉफ़ी रेडी है। अब हम एक मग में कॉफ़ी डालेंगे। मिल्क डालेंगे, दलगुना काफी ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दलगुना काफी रेडी है। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेट्स एंड बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, बनाना डालेंगे, डेट्स डालेंगे, 2 टीस्पून ब्राउन शुगर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। और ग्लास में पोर कर देंगे। हमारा डेट्स एंड बनाना मिल्क शेक रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिग यानी अंजीर मिल्क शेक बना रहे हैं। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, अंजीर डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, फ्रेश मिल्क डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे थोड़ी सी और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। हमारा फिग यानी अंजीर मिल्क शेक रेडी है। अंजीर से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हॉट चॉकलेट बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 कप मैंने मिल्क लिया है, इसे मीडियम हीट पे पकाना है। 3 टेबलस्पून इसमें ब्राउन शुगर डालेंगे, 3 टेबलस्पून कोका पाउडर इसमें स्ट्रेन करके डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जो कोई लम्स ना रहे। 3 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। हॉट चॉकलेट मग में पॉर कर देंगे, मार्शमेलो डाल देंगे और चॉकलेट सिरप से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कस्तूरी दूध की रेसिपी बता रही हूँ। कस्तूरी मिल्क मिनटर्स में इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सबसे पहले 3 कप मिल्क लेंगे, उसे बॉईल करेंगे अच्छी तरह से, जिसमें ब्राउन शुगर डालेंगे और पकाएंगे। क्रश पिस्ता बादाम डालेंगे, थोड़े से छुहारे डालेंगे, ज़ाफ़रान डालेंगे 1 पिंच और अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 20 मिनट तक हम पकाएंगे इसे। हमारी मज़ेदार सा कस्तूरी मिल्क रेडी है। क्रश्ड पिस्ता बादाम और ज़ाफ़रान से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कीवी एंड एप्पल स्मूदी बना रहे हैं। सबसे पहले एप्पल डालेंगे, कीवी डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे, पानी डालेंगे और ब्लेंड कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ग्लास में सर्व कर देंगे। और कीवी से गार्निश कर देंगे। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कीवी एंड बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कीवी डालेंगे, बनाना डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, फ्रेश मिल्क डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। हमारा कीवी एंड बनाना मिल्क शेक रेडी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम मिल्की ब्रेड बना रहे हैं। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, मेल्ट कर लेंगे, ब्रेड स्लाइस रखेंगे इस पे और फ्राई करेंगे। पाउडर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, दूसरी स्लाइस के ऊपर रखेंगे और फ्लिप कर देंगे, फ्राई करेंगे और मिल्क डाल देंगे। ब्रेड पे मिल्क अच्छी तरह सोक कर लेंगे। मिल्की ब्रेड रेडी है। पाउडर ड्राई फ्रूट्स एंड हनी से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम ओट्स एंड डेट्स स्मूथी बना रहे हैं जो डाइट कॉन्शियस लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे, वॉलनट्स यानी अखरोट डालेंगे, योगर्ट डालेंगे हम, बॉइल्ड ओट्स डालेंगे, डेट्स यानी खजूरें डालेंगे, वाटर डालेंगे, ब्राउन शुगर डालेंगे थोड़ी सी और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ग्लास में पोर कर देंगे। और वॉलनट से गार्निश कर देंगे। इस स्मूदी को रेगुलर ब्रेकफास्ट में यूज़ करें और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 अदद आलू लेंगे बॉईल किए हुए, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को ग्रेट करने के बाद इसमें हम आटा डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और डो बना लेंगे। डो को रोल कर लेंगे, रोल करके बारीक करके इसको कट कर लेंगे। एक साइज में हमें कट करना है और मीडियम टू हाई हीट पे फ्राई कर लेंगे। और प्लेट पे निकाल लेंगे, बारबेक्यू सॉस और मेयोनीज से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम एंड पीनट बटर मिल्कशेक बना रहे हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, पीनट बटर डालेंगे, मिल्क डालेंगे, आइस क्यूब्स डालेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे। मिल्क शेक ग्लास में पोर कर देंगे। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम से गार्निश कर देंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।